लोकसभा चुनाव में पूरे देश में मोदी की लहर है ऐसी। बीच में वैशाली लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी वीना देवी भारी मतों से जीती है। मोदी जी का लहर है पूरा देश दुनिया में और वीना देवी जी जो है वैशाली से जीती है और जितना तुम कहता है था। क्या फैक्टर रहा है वैशाली में जीत का? जीत का फैक्टर क्या रहेगा? मोदी फैक्टर है। किस जाति वर्ग के लोगों का वोट मिला मोदी जी को? आप जाति के बारे में पूछ रहे हैं? पूरे देश दुनिया मोदी जी को वोट दिया है और पुनः जो है प्रधानमंत्री जो है बनाने के लिए पूरा देश दुनिया के लोग जो है तैयार थे। आज राजद के उपाध्यक्ष और कद्दावर नेता डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह आज चुनाव हार गए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप उनके बारे में? आप कद्दावर किसको कहते हैं? कद्दावर का परिभाषा क्या है? कद्दावर किसको कहते हैं? वो तो अभी इस बार थोड़े हारे, इसके पहले भी तो हारे थे चुनाव। उसको तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था रघुवंश बाबू को, तो बेकार वैशाली में आ गए वैशाली की जनता को पूर्वक बनाने के लिए। ये तो साबित हो गया कि वो कहीं से कद्दावर नहीं है। मुझे तो नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहती हूँ, उसके बाद में वीना देवी को भी बधाई देना चाहती हूँ और इस धरती के मरवर कार्तिक मरवर प्रखंड के जो नीरा देवी जी हैं उनको भी मैं दिल से बधाई देना चाहती हूँ। और क्या कहना चाहती हैं, उनकी जीत पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? पहले तो ये बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी जी इस पूरे भारत के लिए एक भगवान के रूप में है, गॉड गिफ्ट, जिसे सभी औरतों के लिए महिलाओं के लिए बहुत सारे उपलब्ध सामाजिक बहुत सारे ऐसे चीजें उपलब्ध किए हैं जिससे महिलाएं खुश है और 90% नहीं 100% महिलाओं उनको वोटिंग किया है।